गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। एंड दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ IMU CET प्रिपरेटरी सीरीज जो हर साल इस चैनल पे चलता है, जिसमें हम लोग का एक ही मकसद है कि आप बेस्ट से बेस्ट रैंक पाओ IMU CET में। इस बार भी 140 प्लस पे हम लोग स्कोर पे फोकस कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुके हैं IMU CET प्रिपरेटरी सीरीज में, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी दक्ष ने बता दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई कार्ड पे मिल जाएगा, वहां पे आप जाके देख सकते हो वो वीडियोस भी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वहां से आपका सही हो जाएगा। अभी इस वीडियो में इंग्लिश की बात करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय बडिंग मरीनर्स का बैच, जहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश एप्टीट्यूड अलोंग विद ऑल दीस 5 सब्जेक्ट्स आपका ज्योग्राफी नॉन टेक्निकल पार्ट इंटरव्यू सब कुछ कवर किया जाता है। IMU CET स्पॉन्सरशिप का टॉपिक सारे कवर किए जाते हैं, आपको प्रिपेयर किया जाता है मर्चेंट नेवी के लिए, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। नीचे लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म एंड मेरी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी बैच से रिलेटेड। तो वीडियो पे वापस आते हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश का टॉपिक जो आपसे पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहां कहां से पूछे जाते हैं। तो वीडियो का लास्ट तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। तो अगर पैटर्न की बात कर ले तो इंग्लिश के 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 40 मार्क्स मतलब 40 क्वेश्चंस आपके टोटल फ्रॉम द इंग्लिश ओनली। एंड वन ऑफ द स्कोरिंग पार्ट आई विल से, बिकॉज क्वेश्चंस का लेवल काफी ईजी होता है। बहुत सारे बच्चे इसको कंपेयर करते हैं NDA के लेवल से, बट NDA का लेवल इज वेरी हाई। ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं टाइप 1 क्वेश्चन पे, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी वर्ब को साइड रखो, जो वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है उसको साइड रखो। ये फर्स्ट टाइप है फिल इन द ब्लैंक्स का, जिसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके नाउन्स हो सकता है, प्रोनाउंस हो सकता है, एडजेक्टिव एडवर्ब, आपके कंजंक्शन प्रीपोजिशन इससे रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस रहेगा एंड वहां पे बीच में एक ब्लैंक रहेगा एंड नीचे आपके 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से कोई आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। नीचे आपको एक सैंपल पेपर मिल जाएगा, दैट इज IMU CET का ऑफिशियल, उनका वेबसाइट पे दिया हुआ सैंपल पेपर, वहां से आपको आइडिया लग सकता है। तो आप वो जाके नीचे चेकआउट कर सकते हो लिंक। टाइप 2 क्वेश्चन है वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स। ये मेरे को अभी भी याद है, मेरे टाइम पे एक आया था आपका, उन सब चीजों को क्या बोलते हैं जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं, तो आई थिंक उसका आंसर एंटीक था। दूसरा था एक, वो बच्चे को क्या बोलेंगे जो अपने फादर के डेथ के बाद पैदा हुआ, तो उसका आंसर पोस्थमस होगा। मेरे को अपने टाइम के क्वेश्चन अभी तक याद है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं एंड इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स तो कहीं नहीं गए, ये तो हर जगह पूछा जाता है। बट बेस्ट पार्ट सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, आपको एक पूरा सेंटेंस मिलता है, उसमें एक वर्ड अंडरलाइन रहेगा, उसका सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स आपको बताना पड़ेगा। ये हो गए आपके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। और टाइप 5 में फिर से आपका फिलअप्स आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जिसमें आपका वर्ब्स से रिलेटेड होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, द यूज ऑफ इज, एम, आर, हैज, हैड, हैव, शुड, वुड, ये सबके यूज आपके उस फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस में आते हैं। तो इसके अलावा एक और आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, दैट इज एक्टिव टू पैसिव या फिर पैसिव टू एक्टिव वॉइस का। उसमें आपका एक सेंटेंस रहेगा, उसका या तो पैसिव वॉइस ऑप्शन में से चूज करना पड़ेगा या तो एक्टिव वॉइस ऑप्शन में से चूज करना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन वो भी आता है। सारे क्वेश्चन के टाइप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए सैंपल पेपर में दिख जाएंगे। वो सैंपल पेपर थोड़ा सा टफ है, उससे भी इजी लेवल का पेपर आता है, तो आप वो सैंपल पेपर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ये है टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं इंग्लिश वाले पार्ट में। एंड ट्रस्ट मी, क्वेश्चन का लेवल इतना इजी होता है कि आप आराम से 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो, वन ऑफ द स्कोरिंग पार्ट ऑफ CET। मैं पर्सनली आपको बोलता हूं कि कभी भी जब CET के लिए आप अप्रोच करोगे, तो 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है, फर्स्ट गो टू इंग्लिश, देन एप्टीट्यूड पार्ट, देन गो टू योर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का पार्ट, क्योंकि ये जो 80 मार्क्स है ना, 40 इंग्लिश 40 एप्टीट्यूड, बहुत स्कोरिंग है। तो ये आपका इंग्लिश कवर हो गया, जल्दी मैं आपका एप्टीट्यूड वाला पोर्शन भी कवर कर दूंगा। एंड उस वीडियो के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट डाउन करना है कि यस आई वांट दैट वीडियो। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।